आंटी जी शायद मुझे पसंद नहीं करती, पर क्यों? कुछ तो बात है, वरना आंटी जी ऐसी तो नहीं लगती जो बिना मतलब किसी को पसंद ना करे। बट मैंने किया क्या है, अभी भी समझ नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। अब कौन आ गया? तू? हाँ मैं, अंदर आ जाओ। शादी के बाद मैं बिल्कुल ही पागल हो गया, ऐसे स्टूपिड सवाल कौन करता है? चल अंदर आ। तुझे पता है तू ना ऐसी डांटती हुई बड़ी प्यारी लगती है। मैं अदरवाइज प्यारी नहीं लगती? ऐसे किसने कहा? तू मुझे डांटते हुए, हंसते हुए, गुस्सा करते हुए, सब कुछ करते हुए हमेशा प्यारी लगती है। अच्छा ये बता, अभी क्यों आई है यहाँ पर? आई क्यों है का क्या मतलब होता है? मुझे बस नींद नहीं आ रही थी और मुझे तेरे पास सोने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। क्या नीति कर रही है ड्रामा या फिर सच में जा चुकी है उसकी याददाश्त? सीरियल परिणीति के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। शो की कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि नीति जो है वो अभी भी अपने इस ड्रामे को बरकरार रखती हुई दिखाई दे रही है। ताई जी को तो ड्रामा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर ताई जी ने कई बार कोशिश करी नीति का सच सबके सामने लाने के लिए, तो यहाँ पर ताई जी असफल साबित हुई। ताई जी इनफैक्ट डॉक्टर के पास भी जाती है, डॉक्टर से रिपोर्ट के बारे में भी बात करती है। सच में पागल हो गई है परी, अब तो यहाँ नहीं सो सकती। अरे पर प्रॉब्लम क्या है? हमारे पिंड में भी तो हम कभी भी एक दूसरे घर पे जाके सो जाया करते थे, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अरे तो सच में इतनी बोली है या मेरे साथ नौटंकियां कर रही है? डॉक्टर कह देते हैं आप यकीन मानिए नीति की याददाश्त खो चुकी है। ताई जी घर आती हैं, उनके दिमाग में वही शक है। और इसी बीच जब कंगना खेला जा रहा होता है तो नीति इनकी अंगूठी रख लेती है अपने पास। परी और राजीव को जीतने नहीं देना चाहती, तो ऐसे में ताई जी को और गुस्सा आ जाता है। ताई जी का ये जो शक है वो अभी तक गया नहीं है। इस बीच जब नीति को ताई जी डांट देती है तो परी उसे समझाती है। नीति कहती है नहीं अब तो मैं कुछ ऐसा करूंगी, सब देखते रह जाएंगे। परी कहती है मुझे तो बता तू क्या करेगी, लेकिन यहाँ पर नीति कुछ खास बताती नहीं है। आने वाले एपिसोड में यहाँ पर राकेश आ जाता है नीति से मिलने के लिए। नीति कहती है तू आ गया फिर से। अब नीति उसी मोड में है जहाँ पर शादी से पहले थी, यानी कि उसकी याददाश्त जो खो चुकी है उसी तरीके से वो बात कर रही है। राकेश बार बार पूछ भी रहा है तुझे क्या हो गया है, तू ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन यहाँ पर भगा देती है राकेश को नीति मारकर। तभी जो है परी और राजीव आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो बताते हैं कहाँ है राकेश, कहाँ गया राकेश। तो यहाँ पर नीति बताती है कि जीजू परी की कोई गलती नहीं है, परी इतनी सोनी है ना कि राकेश उसके पीछे पड़ा हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।